Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean's Journey in Social Studies Class 1. Aaj hum chapter number 6 start karenge. Hamare chapter ka naam hai Air and Water. Hawa aur Pani. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एयर कीपिंग, एयर क्लीन, सोर्सेस ऑफ वाटर, सेव वाटर, यूजेस ऑफ एयर, वाटर एंड इट्स यूजेस, और हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे. राइट द नेम्स ऑफ द एक्टिविटीज डन विद द हेल्प ऑफ वॉटर. आपको इन एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं जो हम पानी की मदद से करते हैं. तो बच्चों, दिस क्वेश्चन और दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योर सेल्फ. एयर, एयर क्या है? हवा. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी और टच एयर, वी कैन ओनली फील इट. हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम हवा को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं. हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. मानव, पेड़ पौधे और जानवरों को जीने के लिए क्या चाहिए? एयर, हवा. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हवा जब चलती है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. विंड ब्लोइंग अराउंड मेक थिंग्स मूव. जब हवा चलती है तो चीजें हिलती हैं. विंड दैट ब्लो जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. जब विंड जेंटली आराम से धीमी धीमी चलती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं. लेकिन जब विंड बहुत स्ट्रांग चलती है, हवा बहुत तेज चलती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग. आंधी, जब हवा तेज चलती है तो कहते हैं ना आंधी तूफान आ गया. नाउ वी विल लर्न यूजेस ऑफ एयर. एयर हमें क्यों चाहिए, क्या यूज है एयर का? वी नीड एयर टू ब्रीथ. हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए. एयर हेल्प्स टू स्मेल. एयर से हम चीजों की स्मेल, खुशबू लेते हैं. एयर हेल्प्स इन फीलिंग कूल. जब हमें ठंडा ठंडा लगता है तो हम किससे महसूस करते हैं? एयर से महसूस करते हैं. एयर हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई. पक्षियों को, चिड़िया को उड़ने के लिए एयर हेल्प करती है. एयर गिव शेप टू थिंग्स. एयर चीजों को आकार देती है. जब आप बैलून को ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो वो अलग शेप में आ जाता है. एयर हेल्प्स क्लॉथ टू ड्राई. जब आप गीले कपड़े सुखाते हैं तो किसकी हेल्प से सूखते हैं? वो एयर की हेल्प से. नाउ वी विल लर्न कीपिंग एयर क्लीन. हवा को साफ कैसे रखते हैं, या फिर हमें हवा को साफ रखना चाहिए. वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ. स्मोक एंड डस्ट मेक द एयर डर्टी. हमें शुद्ध और साफ हवा चाहिए. किस लिए? ब्रीथ, सांस लेने के लिए. धुआं और धूल मिट्टी के कण हवा को क्या बनाते हैं? डर्टी बनाते हैं. स्मोक मोस्टली कम आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. धुआं कहाँ से निकलता है? मोस्टली फैक्ट्रीज से और व्हीकल्स, वाहनों से निकलता है. ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन मेक अस सिक. जब हम दूषित हवा में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. वी मस्ट ट्राई टू कीप द एयर क्लीन. हमें ये देखना चाहिए कि हम हवा को शुद्ध रखें, साफ रखें. प्लांट्स एंड ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर. पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्री. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. नाउ वी विल लर्न वॉटर एंड इट्स यूजेस. अब हम पानी और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. लाइक एयर ऑल लिविंग बींग्स नीड वॉटर टू लिव. हवा की जैसे हमें जरूरत पड़ती है सभी लिविंग थिंग्स को, उसी तरह हमें पानी की भी आवश्यकता पड़ती है.
वाटर हैज मैनी यूजेस इन आर डेली लाइफ. डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी से हम बहुत सारे काम करते हैं. वी यूज वाटर फॉर ब्राथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग. पानी का इस्तेमाल हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और साफ सफाई के लिए करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. पेड़ पौधे और जानवरों को भी पानी चाहिए जीने के लिए. वी मस्ट वाटर द प्लांट्स अराउंड अस. आपके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, हमें उन्हें पानी देना चाहिए. प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है खाना बनाने के लिए. वी मस्ट गिव आर पेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक. अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो आप उन्हें साफ पानी दीजिए पीने के लिए. नाउ वी विल लर्न सोर्सेस ऑफ वाटर. हमें पानी कहाँ से मिलता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. We get most of the water from rain. अधिकतर पानी हमें rain, बारिश से मिलता है. Rain water reaches into ground. Rain water धरती पर आता है. The water that reaches under the ground is called ground water. जो पानी धरती के अंदर समा जाता है, उसे हम ground water कहते हैं. People dig wells to take out the ground water. लोग गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, किस लिए? अंडरग्राउंड वाटर को पाने के लिए. रेन वाटर फिल्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियन. बारिश के पानी से नदी, तालाब, समुद्र और झरनों को भरा जाता है. दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ वाटर. इन सब को क्या कहा जाता है? सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी का स्रोत कहा जाता है, जिससे हमें पानी प्राप्त होता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश क्या है? पानी का मुख्य स्रोत है. नाउ वी विल लर्न अबाउट ड्रिंकिंग वाटर. अब वो पानी जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. नॉट ऑल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. हर तरह का पानी पीने के योग्य नहीं होता. वाटर मे कंटेन डर्ट एंड जम्प. पानी के अंदर धूल, मिट्टी और कीटाणु होते हैं. जम्स कैन मेक अस सिक. जम्स, कीटाणु हमें बीमार बनाते हैं. वाटर मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर वी ड्रिंक इट. पानी को साफ करना चाहिए पीने से पहले. वी मस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर एंड कीप द कंटेनर कवर्ड. हमें पीने के पानी के बर्तनों को साफ रखना चाहिए और पीने का पानी ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी डस्ट या जम्स ना जा सके. नाउ वी विल लर्न हाउ टू सेव वाटर. पानी को कैसे बचाया जाए, और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए. We must not waste water. To save water, we should. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? Turn off taps quickly and tightly after use. जब पानी का इस्तेमाल आप कर ले, तो आप टैप, मतलब घर में जो नल होता है, उसे अच्छे से बंद करिए. Not keep the tap running while brushing our teeth. जब आप ब्रश करें, ये नहीं कि आप वॉश बेसिन की टैप को खुला छोड़ दें, नहीं, उसको बंद रखना चाहिए. टेक जस्ट इनफ वाटर इन ग्लास टू ड्रिंक. जितनी प्यास है, उतना ही पानी गिलास में लीजिए. यूज अ बकेट एंड नॉट द शावर हैड टू टेक अ बाथ. नहाने के लिए बाल्टी में पानी का इस्तेमाल करिए. शावर से कम नहाइए, या जहां तक हो सके शावर का यूज नहीं करना चाहिए. नाउ लुक ओवर. वी नीड एयर एंड वाटर टू लिव. जीने के लिए हमें हवा और पानी की आवश्यकता होती है. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स बट कैन नॉट सी इट. हम हवा को महसूस करते हैं जब वो चलती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. वी यूज वाटर फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज. वी यूज वाटर फॉर कुकिंग. खाना बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं.
Plants also need water to prepare their food. Now, estimation corner. अब हम कुछ exercises करेंगे. सबसे पहला question है, choose the correct option. सही option को choose करिए. Air क्या है? All around us, only in school, only at home या none of these. तो सही option है all around us. Number two, moving air is called. Moving air को क्या कहते हैं? Air, breeze, wind या none of these. Moving air को हम wind कहते हैं. Number three, we get most of the water from. अधिकतर पानी हमें किससे मिलता है? Rain, bucket, river या shower से. तो हमें mostly पानी मिलता है rain से. Number four and five, you will do by yourself. Now exercise B, fill in the blank using help box. एक help box दिया हुआ है, आपको उसकी help से खाली स्थानों को भरना है. Dash blowing around make things move. क्या blow होती है, क्या चलती है जिससे चीजें move करती है? तो वो है wind. तो हम यहाँ लिखेंगे WIND wind. Number two, we must dash the plants around us. हमें जो आसपास पौधे हैं क्या करना चाहिए? हमें उन्हें water देना चाहिए, पानी देना चाहिए. Number three, smoke mostly comes out of dash and dash. Mostly धुआं कहाँ से आता है? Mostly धुआं vehicle से आता है और कहाँ से आता है? Factory से आता है. FACTORIES, factories. Number four and five, you will do by yourself. Now, exercise C. State whether the following sentences are true or false. Number one, we should use bucket to take bath. नहाने के लिए हमें बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए. ये बात बिल्कुल सही है. हम लिखेंगे true. We should keep the tap running while brushing teeth. जब आप ब्रश करें तो आपको नल खुला छोड़ना चाहिए. This statement is wrong. तो हम यहाँ लिखेंगे false. Number three, we need air to breathe. हमें हवा की जरूरत सांस लेने के लिए पड़ती है. Yes, this statement is true. Number four, we can live without air. हम बिना हवा के जीवित रह सकते हैं. No, we cannot live without air. तो हम यहाँ लिखेंगे false. Number five, we use water for our day-to-day activities. हम रोज के कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं. Yes, this statement is true. Now, question number D. Use either the word air or water to answer the following question. यहाँ पे कुछ questions के answer देने हैं. या तो हम air word use करेंगे या फिर water. तो सबसे पहला है, where does a fish live? मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है water में. Number two, what makes a flag move? झंडा किससे हिलता है? झंडा हिलता है एयर से. Number three, what makes the pin wheel move? पिन व्हील किससे मूव होती है, किससे चलती है? एयर से या वाटर से? पिन व्हील मूव होती है एयर से. Number four, five and six, you will do by yourself. So my dear student, in this chapter we have learned about air and water. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.